प्राणीपाल दोस्तों, आप सबका स्वागत है बॉन्स माइन डायरीज पर। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे यूएसबी केबल्स। एक है बेल्किन का माइक्रो यूएसबी केबल एंड बोट का यूएसबी सी टाइप केबल। तो पहले हम देखते हैं कि बेल्किन का बॉक्सिंग कैसे है। तो ऐसा कुछ रहेगा बॉक्सिंग। एंड ये यूएसबी ए टू माइक्रो यूएसबी केबल है 1 मीटर का। ये बूस्टर चार्जिंग के साथ आता है एंड और इसके साथ 2 ईयर्स का वारंटी है। ये मैंने इसलिए लिया है कि पहले मैं MI के केबल्स यूज़ करता था, वो ऑलमोस्ट 6 to 8 months तक ही क्वालिटी आ रहा था उसका। लाइक चार्जिंग से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, बट वायर का जो क्वालिटी था वेरी लाइक लो था। तो इसका मैंने रिव्यूज़ काफ़ी देखे हैं, लाइक और काफ़ी पुरानी कंपनी भी है। तो देखते हैं कैसा रहेगा अंदर जब हम ओपन करेंगे। और ये है बोट का सी टाइप केबल, सी A350। तो ये है सी टाइप केबल। ये है 1.5 मीटर्स का केबल। ये भी फास्ट चार्जिंग कंपैटिबल है 3 एम्प्स के साथ। तो देखते हैं कैसे होगा। ये साथ ही साथ टैंगल फ्री वायर है, तो ओपन करे बाद ही पता चलेगा कैसे होगा। तो हम पहले बेल्किन को ओपन करते हैं। इसको ऑलरेडी ओपन किया है। तो कुछ पेपर वर्क आ जाता है एंड केबल ऐसे आएगा। अच्छा, क्वालिटी तो शानदार है, देख सकते हो। जैसे कि इस शायद फोकस करने में मुश्किल। हाँ देखिए, क्वालिटी बहुत काफ़ी बेहतर है और इस साइड भी अच्छे से लाइक कॉर्नर्स अच्छे से टाइटली पैक्ड है। स्ट्रॉन्ग तो लग रहा है। जनरली ये जो पॉइंट्स होते हैं लाइक माइक्रो यूएसबी के, कुछ कुछ कंपनी के ना काफ़ी मोटे आते हैं। ये मुझे ऐसे नहीं लग रहा है, नॉर्मल वायर है, नॉर्मल लाइक पॉइंट है। चलिए बोट का भी ओपन करके देखते हैं। कुछ ऐसे आया था रेड एंड ब्लैक में, इसके अंदर क्या है ये देखिए। 2 ईयर्स का वारंटी, दोनों का भी 2 ईयर्स वारंटी है, बेल्किन का और बोट का। ये फास्ट चार्जिंग कंपैटिबल बोलते हैं, देखेंगे जब चार्जिंग होगा तो कैसे आएगा। वेरी नाइस, वेरी स्मूथ बनेगा। ओके, ये कॉटन ब्रेडेड है, इसका भी कॉर्नर्स देख लिए। बोट का ब्रांडिंग, इधर भी बोट का ब्रांडिंग, कॉर्नर्स वैसे ही है जैसे बेल्किन का है, वेरी सेफ। एंड ये मंगाने का और एक एक रीज़न भी ये था, जैसे कि ये जो डायरेक्ट कनेक्टर है तो लाइक राउंडेड ही है। जैसे मैं आपको वन प्लस का दिखाऊंगा, ऐसे आएगा। जब भी मैं कनेक्ट करता हूँ जैसे कैमरा को, तो लाइक हैंगिंग के टाइम पे ये ऐसे बेंड होता है वेट की वजह से। तो ये कुछ वेरी डिस्टर्बिंग था, तो इसलिए मैंने ये भी मंगाया। लाइक स्पेयर में वैसे तो कैमरा के साथ भी आया है, कभी कभी ट्रैवलिंग में तो ये वेरी यूज़फुल हो जाएगा मुझे, अगर मैं वो भूल जाऊँ घर पर। तो ये उसके लिए ही था। चलिए लाइक हम वन प्लस के फ़ोन को चार्ज करके USB से देखते हैं।
वायरलेस फोन, इसको मैंने कनेक्ट किया, चार्जिंग ऑन किया, देख सकते हो कि लाइक चार्जिंग आ रहा है बट नॉट फास्ट चार्जिंग, बट बॉक्स पर तो दिया है कि लाइक फास्ट चार्जिंग, बट मे बी ओनली वन प्लस सिर्फ अपने ही ऑथराइज केबल्स को ही फास्ट चार्जिंग दिखाता है, ऐसे तो 59, देखते हैं जब तक दूसरा हम चेक करते हैं तब तक कितना होता है, 59% पर है, तो एक दो मिनट के बाद अगर इंक्रीज हुआ है तो लाइक पता चलेगा कि फास्ट चार्जिंग है कि नहीं, ये देखते हैं यूएस माइक्रो यूएसबी, इसे भी कनेक्ट करेंगे, एक और एक फ़ोन है मेरे पास, सॉरी फॉर द साउंड, ये जियो का फ़ोन, इसे लाइक वेरी इजी, टाइट भी नहीं था बिल्कुल भी, ये भी कुछ 0% में है, तो देखते हैं कुछ वेट करके, ओके 1 मिनट 1% ऑलमोस्ट 1 मिनट हुआ है, तो 1% लाइक आई थिंक ओके नॉट फास्ट चार्जिंग बट हाँ 61% ओके, बट फास्ट चार्जिंग नहीं आ रहा है बट फिर भी चार्जिंग अच्छे से हो रहा है, लाइक 1 मिनट 15 सेकेंड्स हुआ था शायद उसके अंदर ही 2% चार्जिंग हो गया, द ओनली प्रॉब्लम इज लाइक फास्ट चार्जिंग नहीं दिखा रहा है, जैसे कि वन प्लस का केबल हम जब कनेक्ट करते हैं तो फास्ट चार्जिंग दिखाता है, तो इट्स वर्किंग लाइक फास्ट चार्जिंग के लिए, ये केबल इसको तो अब चेक करना है, इट्स नॉट पॉसिबल, 0% का है, तो यही कुछ था, ये तो अल्ट्रा बूस्टिंग लाइक बूस्ट चार्ज के साथ आता है बेल्किन का, एंड ये फास्ट चार्जिंग के साथ, ये मुझे पड़ा 299 रुपीज़ और ये 219 रुपीज़ का, ओके इसका प्लीज़ कमेंट्स में बता देना लाइक दिस, ये वीडियो कुछ अच्छा था कि नहीं, लाइक मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियोस में सुधार लूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।